देश भर में ड्रीम इलेवन के नाम पर करोड़ों की ठगी का माया जाल, हकीकत जानते ही पुलिस भी रह गई हैरान। देश भर में ड्रीम इलेवन के नाम पर फैले साइबर ठगी के जाल का गोपालगंज पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। एसपी स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में गठित साइबर थाने की पुलिस ने करोड़पति बनाने के नाम पर ठगी करने वाले 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 10 मोबाइल फोन सहित अन्य सामान भी बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सिद्धवालिया थाना क्षेत्र के लोहिजरा गांव के संदीप कुमार, अनूप कुमार, सचिन कुमार, मोहम्मद शोएब अख्तर उर्फ मुन्नू गुड्डू राम, संत कुमार, ब्रज किशोर उर्फ केन साहिब और 2 नाबालिग बच्चे शामिल हैं। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि साइबर अपराधी लोगों को ड्रीम इलेवन में करोड़पति बनाने का झांसा देकर ठगी करने का काम करते थे। पुलिस को इनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, भारी मात्रा में ट्रांजैक्शन भी मिला है। पुलिस इनके मोबाइल को जब्त कर बैंक अकाउंट की जाँच कर रही है। गोपालगंज में ड्रीम इलेवन के नाम पर ठगी करने का ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी पुलिस ने सिद्धवलिया थाना के लोहिजरा गाँव से 2 ठगों को गिरफ्तार किया था, जो ड्रीम इलेवन में बेहतर टीम देने के नाम पर ठगी करने का काम करते थे। एसपी ने बताया कि साइबर ठग महज 20 से 25 साल की उम्र के हैं, जो अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए लोगों को झांसे में लेकर ठगते हैं। बता दें कि क्रिकेट मैचों में पैसा लगाने के लिए ये ऐप काफी मशहूर है। ऐप के जरिए करोड़ों रुपए के इनाम दिए जाते हैं। इस ऐप के जरिए लीगल तरीके से पैसे लगाए जाते हैं।